अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आए हैं, जो देखने में जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग है, बनाने में उतनी ही ज़्यादा इजी है। जी हाँ, कोरियन स्ट्रीट फूड कॉर्न डॉग्स की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक कप मैदा लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 egg ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1/2 teaspoon इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 2 tablespoon इसमें हमने ब्राउन शुगर ऐड की है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके जगह वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1 tablespoon इंस्टेंट यीस्ट हमने इसमें शामिल की है। 2 tablespoon मेल्टेड बटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यीस्ट अगर आपके पास इंस्टेंट नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट करके अलग से कप के अंदर और उसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने रूम टेम्परेचर वाटर लिया है। हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको बीट करेंगे बीटर से। हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको लास्ट में शो कर देती हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बस ये इतना थिक होना चाहिए। इसके बाद हम इसे तकरीबन 1/2 hour के लिए ढक के रख देंगे। इसके बाद मैंने 4 से 5 सॉसेजेस लिए हैं। इसे हम इस तरह से क्यूब्स में, तकरीबन 1 inch के क्यूब्स हम कट करेंगे। इसके बाद हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको भी हम इसी तरीके से 1 inch के क्यूब्स में कट करेंगे। इसके बाद हमने वुडन स्क्यूअर्स लिए हैं, इसमें हम 1 cube सॉसेज का लगाएंगे और उसके बाद जो मोज़रेला हमने कट करके रखा था वो हम 1 cube लगाएंगे, फिर दोबारा सॉसेज लगाएंगे और फिर उसके बाद अगेन हम मोज़रेला लगाएंगे। इस तरह से हम अपने स्टिक्स को रेडी करेंगे। इसके बाद हमने जो बैटर बना के रखा था उसमें हम इसको कवर करेंगे अच्छी तरीके से। फिर हमने ऑरेंज ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमारा एक टाइप का कॉर्न डॉग रेडी हो गया है। दूसरा टाइप का कॉर्न डॉग भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें पोटैटोस की कोटिंग होती है। उसी तरीके से हम चीज़ और सॉसेजेस को स्क्वायर्स में लगाएंगे। उसके बाद कोटिंग करेंगे अपने बैटर के अंदर और फिर उसके बाद ऑरेंज ब्रेड क्रम्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके बाद हम इसको पोटैटोज़ के अंदर डिप करेंगे। तो सारे जो पोटैटोज़ हमने क्यूब्स में कट करके रखे थे वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे और इसके बाद हम इसको वाइट ब्रेड क्रम्स के कोट कर रहे हैं। ये देखिए वाइट ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर दिया हमने। इसके बाद हमने अच्छे से ऑयल को गरम कर लिया है। उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो आप इसको चाट मसाला, ये जो भी सीजनिंग आप स्पाइसी पसंद करते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस या मस्टर्ड सॉस, जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार कोरियन कॉर्न डॉग्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।